अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो दोस्तों आज हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो है ओहम का 3 एक्सिस आई स्टडी मोबाइल प्लस गिम्बल। तो दोस्तों इसकी जो पैकेजिंग है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है ओहम का आई स्टडी मोबाइल प्लस गिम्बल। तो दोस्तों ये मैंने परचेज़ किया है अली एक्सप्रेस से, और जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में परचेजिंग करके दिखाई थी ऑनलाइन पे, तो ये गिम्बल मेरे पास आ चुका है और ये गिम्बल मेरे पास आया है 2 हफ्ते में। और दोस्तों यहाँ पर इसकी जो प्राइस है वो है 306 रियाल। और दोस्तों अगर आप इसको पाकिस्तानी कन्वर्ट करना चाहें करेंसी में तो आपको 20-22 हज़ार तक का ये गिम्बल आपको मिल सकता है अली एक्सप्रेस से, और इंडियन करेंसी में करना चाहें तो तकरीबन 6.5-7 हज़ार का हो जाएगा। तो इसकी पैकेजिंग बहुत सॉलिड है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी इसकी ब्रांडिंग ओहम, आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है, और इसके बैक साइड पर भी यहाँ पर ब्रांडिंग मिल जाएगी आपको, और यहाँ पर 3 एक्सिस मोबाइल गिम्बल देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर ये ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी आपको। तो दोस्तों इसको करते हैं अनबॉक्स। तो ओहम की जानिब से हमें ये बॉक्स मिलेगा जो बहुत अच्छी क्वालिटी का है और इसको हम कैरी भी कर सकते हैं। और दोस्तों अब हम इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि गिम्बल कैसा है। यहाँ पर हमें यूज़र मैनुअल मिल जाएगा और इसके बाद हमें मिलेगी एक गाइड जो कि है स्टार्ट गाइड, क्विक स्टार्ट गाइड, तो ये आप देख सकते हैं। और इसकी जो एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल करना होगा, तो वो हम इंस्टॉल करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद ये है हमारा कुछ इस तरह का गिम्बल। इसके साथ हमको मिला है एक ट्राईपॉड जिसमें हम अपना दूसरा ट्राईपॉड भी ऐड कर सकते हैं, और इसके साथ हमें मिली है एक सी टाइप केबल, और इसमें हमको देखने को मिलेगी 3 मोटर, एक है टिल्ड मोटर, एक है रोल मोटर और एक है पैन मोटर। और दोस्तों यहाँ पर हमको बटन देखने को मिलेंगे, जो सबसे पहला बटन है ये है जॉयस्टिक, इससे हम अप डाउन और लेफ्ट राइट घुमा सकते हैं अपने गिम्बल को। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो 4 लाइट्स हैं ये है मूड्स की लाइट्स, और इसके नीचे जो स्लाइडर है ये है जूम करने के लिए, और ये है पावर का बटन, और ये है मूड चेंज का बटन, और यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगी लाइट ये है ब्लूटूथ की लाइट। तो दोस्तों अब बात करें बैटरी बैकअप की, तो बैटरी बैकअप ये देगा 13 आवर्स, इन्होंने बता रखा है कि 2 घंटे चार्ज करने के बाद ये 13 आवर्स बैटरी बैकअप देगा, तो ये इनफ होता है। और बैटरी की जो आपको लाइट देखने को मिलेंगी वो यहाँ पर देखने को मिलेंगी, और इसके पीछे यहाँ पर ट्रिगर बटन है, और इसके साथ ही यहाँ पर दे रखा है आपको चार्जिंग के लिए, तो यहाँ पर आप सी टाइप केबल पे लगाकर इसको चार्ज कर सकते हैं। अब हम इसको यूज़ करते हैं, इसमें मोबाइल को माउंट करते हैं और इसकी एप्लीकेशन है उसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं। तो दोस्तों अब हम अपने मोबाइल को जो है वो यहाँ पे माउंट करते हैं, तो उससे पहले हम अपने मोबाइल पे ब्लूटूथ ऑन करेंगे, और इसके साथ साथ जो है वो हम लोकेशन भी ऑन कर लेंगे ताकि इसके जो सॉफ्टवेयर है वो आप देख सकते हैं कि ये सॉफ्टवेयर है इसका। तो पहले मैं इसको माउंट कर लेता हूँ। माउंट करने का कुछ तरीका ऐसा है कि लैंडस्केप में आपने इसको ऐसे माउंट करना है, ये फिक्स कर देना है यहाँ पे, ये माउंट हो चुका है, ये लैंडस्केप में है। अब मैं इसको ऑन करूँगा, तो ऑन करने का कौन करना है 3 सेकंड्स को इसको प्रेस करना है पावर के बटन को, तो ये ओपन हो गया। तो ये ओपन हो चुका है, तो यहाँ पर कैमरा भी ये हमारा ओपन हो गया है। अच्छा अब इसका जो सॉफ्टवेयर है उसको चेक कर लेते हैं। अगर इस जॉयस्टिक से मैं अप करता हूँ और डाउन करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पूरा जो घूम रहा है। और इसके साथ अप डाउन कर लेंगे तो ये अप डाउन बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है, और इसके साथ अगर मैं पैन करूंगा इसको तो ये आप देख सकते हैं कि ये पूरा 360 से भी ज्यादा पैन होता है। We'll be right back.
एक चीज़ और भी आपको बता दूं कि Zoom जो है वो आपका काम करेगा सॉफ्टवेयर जब आपका ओपन होगा। जब ये सॉफ्टवेयर ओपन होगा तो आपके Zoom काम करेगा, ये सॉफ्टवेयर ओपन होगा जब, तो Zoom कर सकते हैं इससे। ये आप, मैं हाथ रख के भी दिखा देता हूँ, ये देखो इस बटन से हम Zoom इन Zoom आउट कर सकते हैं। और इसके बाद ये मोड्स हैं, अब आप इसको प्रेस करेंगे तो ये मोड चेंज हो जाएंगे इसके, ये आप देख सकते हैं वन प्रेस से ये मोड चेंज हो जाएंगे। इसको कोलैबोरेट करना है तो आपको 5 times को मोड को दबाना होगा बटन को। और इसके अलावा भी आप सॉफ्टवेयर में जाके जो है यहाँ पे एक सेटिंग का ऑप्शन है, इस सेटिंग के ऑप्शन में ऑटो कोलैबोरेट का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑटो कोलैबोरेट भी हो जाएगा ये। तो दोस्तों अब इसके बाद हम इसकी बैलेंसिंग चेक करते हैं कि ये कितना अच्छा काम करता है। दोस्तों आप यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी देख सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से स्टेबल करता है, तो इसको मैं पूरा रोटेट कर रहा हूँ। अच्छा, इसके साथ मैं अगर इसको इस एंगल में भी रोटेट करूँगा तो आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से स्टेबल हो रहा है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, इसमें अगर मैं फॉर एग्जांपल हमारा जो मोबाइल है वो किसी भी एंगल में चला जाता है, मैं इसको इस एंगल में रख देता हूँ, तो इसके बाद मेरा जो ये ट्रिगर बटन है यहाँ पर आपको इसको 2 मरतबा प्रेस करना होगा, ये वापस अपनी जगह पर आ जाएगा। तो बहुत अच्छे तरीके से ये स्टेबल कर रहा है। और यहाँ पे हम 360 पूरा इसको रोटेट कर सकते हैं और ये बहुत अच्छे तरीके से स्टेबल हो रहा है। ऐसा जो मेरा जो गिम्बल है, इससे पहले मैंने ऐसा कोई गिम्बल देखा नहीं जो बहुत अच्छे तरीके से इतना स्टेबल कर रहा हो मोबाइल को। तो इसके साथ हम फेस ट्रैकिंग को भी चेक करते हैं। तो दोस्तों फेस ट्रैकिंग हम ऑन करेंगे, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो ये मेरा जो है ना फेस ट्रैक हो चुका है। अब मैं अगर देखें आप लेफ्ट राइट जाऊँगा या अगर मैं अब चाहता हूँ तो ये बहुत अच्छे तरीके से फेस ट्रैक कर रहा है, ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से ये फेस ट्रैक कर रहा है। तो इसका फेस ट्रैकिंग सिस्टम भी बहुत अच्छा है।